सभी किसान साथियों एवं बुजुर्गों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं अहमदगढ़ लुधियाना पंजाब में GS एग्रो इंजीनियर्स कंपनी में। यहाँ आपको हम आज तरह तरह के पावर बीडर दिखाएंगे। इस पावर बीडर से आप अपने खेतों में क्या क्या काम कर सकते हैं कितना आसानी से। जिन किसानों को बड़े ट्रैक्टर बुलाने में समस्या होती है, लेबर की समस्या होती है, उसमें ये किस तरीके से लाभदायक है और आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम कंपनी के मालिक गुरदीप भाई जी से संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो इन्हीं से बात करते हैं। इनसे बात करने से पहले इनका एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने से जो किसान भाई आपको देखेंगे उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। किसान भाइयों को परिचय देने से पहले तो किसान भाइयों को नमस्कार, मेरा आदाब। आपके सामने आज किसान भाइयों के सामने मैं ये तीन प्रोडक्ट लेके आया हूँ, डीजल वर्जन और पेट्रोल वर्जन में। इनके क्या क्या कार्य हैं वो सारे हम आपको अभी लाइव डेमो से बताएंगे और वीडियो के माध्यम से। जैसा कि मैं ये आपका पावर डीलर देख रहा हूँ, काफी बेहतरीन तरीके से, काफी हैंडल भी लंबा है, टंकी भी नए मॉडल से लगी हुई है, इसमें काफी बेहतरीन है। इसमें इसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को कुछ बताइए, ये कितने HP में है? बिल्कुल जी, ये हमारा प्रीमियम 10 HP का डीजल मॉडल है, डीजल वर्जन प्रीमियम मॉडल जी। इसमें हमने जो देखो आपके सामने ही है, कामा का इंजन लगाया, जो आपको पता है वर्ल्ड में फेमस कंपनी है कामा की जी। 10 HP का कामा का डीजल इंजन लगाया है और हैंडल भी हमने लॉन्ग दिया है ताकि इसकी जीरो वाइब्रेशन, जीरो मेंटेनेंस रहे जी। जैसा कि आपने हैंडल लंबा दिया है, मान लीजिए ये बहुत ऊंचा है, अगर कोई किसान हमारा है उसकी हाइट कम है तो क्या ये एडजस्टेबल है या नहीं? बिल्कुल भैया जी, ये पहले देख कर ही एडजस्टेबल किया है। बहुत सही क्वेश्चन किया, कई फार्म वालों को नहीं पता चलता है, यहाँ से इसकी आप खोल के इसको अपना हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं जी। इसको हाइट, जिसकी हाइट बड़ी है, जिसकी हाइट होती है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से बिल्कुल जी। इसमें गियर वगैरह का क्या सिस्टम है वो थोड़ा किसान भाई? गियर वगैरह का सिस्टम हमने ऊपर में गियर दे रखा है और तीन गियर है इसमें, दो फॉरवर्ड गियर है, एक रिवर्स गियर है, तीन गियर की प्रोविजन हमने इसमें दे रखी है जी। जैसे मैं आपकी एक टंकी देख पा रहा हूँ, ये कितने लीटर की है और ये प्रति आवर कितना फ्यूल कंजम्पशन करता है? बिल्कुल जी, जो इसमें डीजल डालता है वो 5 लीटर का हमने इसमें फ्यूल टैंक लगा रखा है, 5 लीटर इसमें डीजल आएगा। जो इसकी एवरेज माइलेज निकाली है वो हमने 700 ml निकाली है पर घंटा, 700 ml पर घंटा में लेगा और 4.5 फीट का रूटावीटर लेके चलेगा जी। ये जो है मैनुअल स्टार्ट होता है या बैटरी से होता है? अगर बैटरी से होता है तो कौन सी बैटरी आप इसमें लगा के देखिए सर, इसमें हमारे पास दो वर्जन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। इसमें एक तो हमारे पास आपको सेल्फ स्टार्ट में बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलेगा, अगर जो फार्मर भाई मैनुअल लेना चाहता है केवल मैनुअल भी मिलेगा। इसमें दोनों वर्जन है, अगर बैटरी कई बार डेड हो जाती है तो आप इसको मैनुअल भी स्टार्ट कर सकते हो और इलेक्ट्रिक भी स्टार्ट है, बैटरी भी इसमें है। बैटरी देखिए, कई बार हम लोकल बैटरी भी दे देते हैं, बैटरी कई बार रास्ते में टूट भी जाती है, आप कौन सी भी जो हमारी जो बाइक में स्कूटी में बैटरी डालती है वो इसमें लग जाती है जी। जैसे कि अगर मेरा कोई किसान भाई इस पावर टिलर को खरीदता है, इसके साथ रीपर लगाना चाहता है, तो क्या इसमें रीपर चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, आपने बहुत बढ़िया पूछा, रीपर चलेगा। आपके सामने आगे रीपर पड़ा है, इसके पीछे हमने PTO सिस्टम दे रखा है, PTO वर्जन है जे, इसके पीछे आप रीपर लगा के कोई भी अटैचमेंट, जैसे वाटर पंप लगाना है रीपर तो लगेगा और उसके बाद स्प्रे मशीन लगानी है, सब इसमें पीछे लगेगा। किसान चलाएगा कैसे, इधर ही? बिल्कुल जी, रीपर रहेगा, बहुत बढ़िया है, किसी फार्मर को नहीं पता चलता है, यहाँ से इसकी हमने सेटिंग दे रखी है, जहां तो जो 4 बोल्ट खोल लीजिए, नहीं इसकी जरूरत भी नहीं खोलने की, इसको यहां से खोलिए, जब पूरा का घूम के उधर चला जाएगा तो जो रिवर्स गियर में चलेगा, एक साइड पे काटते हुए आराम से अपनी फसल काटते हुए साइड पे लगाता जाएगा जी। जैसे कोई किसान भाई इसको नया खरीदता है, इसमें जो गियर ऑयल पड़ता है या मोबिल जो पड़ता है वो कितना पड़ता है? देखिए, जो इंजन में इसमें गियर ऑयल डालता है भैया जी, वो 2 लीटर डालता है 20W40 का, और जो गियर में 2.5 लीटर डालता है 90 EP का। इसमें हैवी गियर बॉक्स है, दूसरे से थोड़ा सा पेट्रोल से हैवी है, इसमें 0.5 लीटर गियर बॉक्स ज्यादा डालता है जी। इसके साथ में जो सेंटर रोटरी में चलता है, वो ब्लेड्स आप कौन सी देते हैं वो थोड़ा किसान? बिल्कुल देते हैं जी, एक तो साथ में आपको जो रबड़ के टायर मिलेंगे और जो आगे आपको दिख रहा है 40 ब्लेड का रूटावीटर मिलेगा और 2 अटैचमेंट इनमें से हम और साथ में आपको फ्री देंगे। जो 4 अटैचमेंट है, लेबलर है, कल्टीवेटर है, सिंगल प्लाउ, डबल प्लाउ,
चारों में से दो अटैचमेंट इसके साथ में हम फ्री देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, जैसे कि इसको किसान भाई अपने खेत पे ले जा रहा है जी तो उसको पहिए पे लेके जाना पड़ेगा, वो बिल्कुल जी। सामान जैसे वो उसे रोटावेटर लेके जाना, तो कैसे कहाँ पे लेके जाएगा रूटावीटर, रखिए। जैसे अकेला रूटावीटर टांग के लेके जाना है तो हमने इसमें टांगने की आगे सुविधा दे रखी है, इसमें ऐसे लग जाएगा, इसमें टांग के भी लेके जा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा फार्मर भाई के पास सामान है तो इसके पीछे ट्रॉली लग जाती है, डाला लग जाता है, ठीक है, तो उसमें रख के भी आप अपना सामान घर से खेत, खेत से घर लेके आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, कोई वो ले समस्या जा नहीं सकता है, है सारी चीजें जो है। बिल्कुल और जी। इसमें जो आयरन व्हील होते हैं क्या वो भी इसमें लग जाते हाँ हैं? बिल्कुल, आयरन व्हील लग जाते हैं, आयरन व्हील में भी हमारे पास दो साइज है, एक थोड़ा सा हमने जिस इंच चौड़ा में बना रखा है, एक उस साइड में पड़ा है वो पतला लगा रखा है, जो फार्मर भाई की रिक्वायरमेंट होगी वो बड़ा लेना चाहता है या छोटा लेना चाहता है वो इसमें अटैच हो जाते हैं जी, इसका दोनों। जो एयर फिल्टर वगैरह होता है वो किस क्वालिटी का होता है एयर वो फिल्टर किसान? हमने इसमें जो तेल का डाल रखा है ताकि इसमें अंदर बिल्कुल गर्दा धूल ना जाए, इसको वहां से ही खोल के जो साफ हो जाता है। जी, जैसे कि हम आपका ये दूसरा बेहतरीन तरीके से इटालियन इटली का है और उसके बाद ये लाइट वर्जन में है, जी क्या सोच के आपने लाइट वर्जन में इसे बनाया है? जे किसान भाइयों को सोच करके ही हमने लाइट वर्जन बनाया है। कई बार फार्मर भाई अपना किराए का काम करना चाहते हैं तो दिन भर में किराए का काम करके अपना रोजगार आगे चलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसको देखते हुए ताकि उसको रात को चलाने में समस्या ना आए, तो हमने इसमें लाइट की प्रोविजन दे रखी है। जी, आप किराए की बात किए तो अगर मेरा कोई किसान भाई इसको खरीद लेता जी है तो ये किराए पे चलाकर एक दिन में कितनी इनकम जनरेट कर सकता देखिए, है? वो उसके चलाने के ऊपर है कितने घंटे चलाता है, 8 घंटे मैक्सिमम अगर वो मेरे चलाता मेरे है। हिसाब से तो आराम से अपना 4 से 5 हज़ार रुपये चला करके घंटे के हिसाब से कई फार्मर लेते हैं। जैसे इधर हमारे को फ़ोन आते हैं कश्मीर में, भैया जी हमारे 100 रुपये पता नहीं 50 रुपये घंटा लेते हैं, उसके हिसाब से हमने जो इसकी एवरेज निकाली है, मानो आप 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से आदमी तो रोजगार अगर कमा वो सकता है इससे। 8 घंटे चलाता है ये लगातार, जी कोई वाइब्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं बिल्कुल, जीरो आता? मेंटेनेंस है, जीरो वाइब्रेशन है जी। जी, मतलब इसमें, और इसका जो टंकी है वो कितने जी लीटर की है और ये प्रति आवर फ्यूल कंजेशन कितना जो इसकी है? फ्यूल टैंक हमने लगा रखा है जो 3.5 लीटर का लगा रखा है, जो इसकी हमने घंटे के हिसाब से माइलेज निकाली है, कंज्यूम पेट्रोल करता है 1 घंटे में 700 से 800 ml कंज्यूम करता है 1 घंटे में। जी, ये जो पावर डीलर है मैनुअल स्टार्ट होता है या बैटरी सिस्टम पे है? इसमें देखो पेट्रोल में तो ज़्यादा तो हम फोकस देते हैं मैनुअल पे ही, जी क्यों देखो उसमें क्या है, एक तो 4-5 हज़ार रुपये खर्चा अलग से आ जाता है, जी पेट्रोल में पेट्रोल वर्जन होने के कारण ये बिल्कुल इजी स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल लेडीज भी स्टार्ट कर सकती है, तो हम ज़्यादा फोकस इसमें विदाउट इलेक्ट्रिक पे ही देते हैं, मैनुअल पे। जी मुझे इस पावर टिल में काफी बेहतरीन लग रहा है, आपने पूरा जैसे फोर व्हीलर गाड़ियां होती हैं बिल्कुल उस जी तरीके से इसका गियर का जो ये डिजाइन किया है ऊपर वाला काफी बिल्कुल किया है, बेहतरीन। कई बार ऊपर से ऐसे सीधा ही डंडा सा लग जाता है, जैसे हमने इसमें लगाया, इसमें भी अब यही सीरीज लेके आएंगे, इसमें एक तो पकड़ना है, एक हमने लिख भी रखा है फ्रंट गाड़ी फास्ट चलाने वाली सेकंड फीलिंग और आती है? न्यूट्रल, गाड़ी वाली फीलिंग ताकि फार्मर को दिख रखे, और नीचे भी हमने इधर में लिख रखे हैं गियर। जी, इसमें गियर कितने गियर हैं ये थोड़ा किसान भाई मुझे वो इसमें बताइएगा। 3 गियर हैं, दो फॉरवर्ड हैं आगे के, एक रिवर्स गियर है, दो फॉरवर्ड हैं एक रिवर्स गियर रिवर्स है इसमें जी। लगा हुआ है। इसका क्या कार्य होता है अगर किसान इसको चलाता है, ये कौन सा कार्य करता है? जे एसीलेटर है हमारा, जैसे हमारी गाड़ी की रेस होती है एसीलेटर होता है, वैसे एसीलेटर है। जी, जैसे कुछ किसान भाई खरीदते हैं उनको नहीं पता होता है कि कितने एक्सीलेटर, अगर दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है जी तो कितने पे इसको सेट करके चलाना वो चाहिए? उसके चलने के ऊपर है, किसान भाई अपनी क्षमता चलने की इसके साथ में कितनी रखते हैं, जितने इसको आप आरपीएम रखना चाहते हैं, जो हमने दे रखे हैं टक दे रखे हैं, इधर को हाई होता है इधर को लो होता है, जितना आप कर सकते हैं अपना साथ में चलाना चाहते हैं, आपकी क्षमता है चलने की, कई अपने यंग बॉय हैं बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं, लेडीज भी महिलाएं भी थोड़ी सी धीरे चलती है, वृद्ध बुजुर्ग हैं वो इसी हिसाब से इसको जी, अपना रख सकते हैं। आपने महिलाओं की बात की तो इसी बात पे एक बात हम और पूछ लेते हैं जी आपसे, अगर कोई महिला इसको चला रही है उसके जी हाथ से छूट जाता है, क्योंकि जी महिलाएं मान लीजिए सपोर्ट डेस्क को सपोर्ट जानकार नहीं, बिल्कुल एक्टिव जी नहीं है, बिल्कुल छूट भैया गया, बिल्कुल। तो कैसे वो बंद करें इसको वो उसको बताइए देखते थोड़ा। हुए हमने तो ही तो इसमें, नहीं तो हम ऐसी स्विच भी लगा देते हैं जैसे लाइट की लगा रही है, कई बार इसमें हाथ ही नहीं जाता है आदमी का, जी ठीक है, हमने इसमें इमरजेंसी स्विच इसलिए लगाया है, तो ऐसे आप चला रहे हो कई बार महिला के हाथ से छूट जाए तो इसको ऐसे कर दोगे तो तुरंत बहेंगे वहीं रुकेगा जी, अगर ये छूटता है तो ये गाड़ी जो है तुरंत के तुरंत वहीं जो है वहीं बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी जी। जैसे कि इसमें पीछे से हम पीटीओ सिस्टम देख रहे हैं तो इसमें क्या रीपर चल पाएगा? पीटीओ सिस्टम में बिल्कुल रीपर चलेगा जी, इसका जो हैंडल है यहाँ से 90 डिग्री पे घूमता है, घूम के उधर चला जाता है, इसमें हमने पीटीओ वर्जन लगा रखा है, पीटीओ सिस्टम में इसमें आप रीपर वाटर पंप स्प्रे मशीन जो लगाना चाहते हैं
इसके साथ बिल्कुल लगेगा जी। इसके साथ जैसे ट्रॉली वगैरह का क्या सिस्टम है? ट्रॉली वगैरह भी लग ट्रॉली भी लग जाती है बिल्कुल जी। एक साथ चार पांच प्रोडक्ट खेतों में ले जाना चाहता अपना ट्रॉली में बीच रखिए, अपन ले जाइए, अपना काम करिए और घर ले आइए। बिल्कुल हमने डाला भी इसके साथ देते हैं। कैपेसिटी जो डाले की खींचने की कैपेसिटी, इसकी क्षमता है वो एक टन वजन है, 10 क्विंटल वजन आराम से खींच के ले जाता है जी। जैसे कि आपने इसमें बताया कि अगर केवल वो सिंगल रोटावेटर ले जाना चाहता है तो आगे लगा सकता है, बिल्कुल जी। इसमें भी बिल्कुल यही दे रखा है, इसमें भी आगे टांगा जाता है, इसमें भी ये तो ही तो दे रखा है हमने, इसमें टांग के भी लेके जा सकते हैं। अब अगर कोई यार और लेके जाने हैं तो उसमें भी रख के लेके जा सकते हैं जी। इसमें पीछे से कौन कौन से अटैचमेंट इसमें से लगा सकते हैं? इसमें से जो सारे अटैचमेंट लग जाएंगे, जैसे आपको मिट्टी चढ़ानी है, आपने वेजिटेबल जहाँ शुगर कैन लगा रखा है उसमें मिट्टी चढ़ानी है, नली बनी हुई है, नली बनाने का काम भी करेगा, बेड भी बनाएगा, ये जे एक साइड मिट्टी पलटने का काम करेगा, ये काम करेगा, जैसे आपने रूटावीटर से जुताई हो गया, जमीन को प्लेन करना है लेवलर तो लेवलर का काम करेगा, ये मेड बनाएगा, डोरी बनाएगा, वो हमने जो डीप टिलिंग है, कई जगह पे पत्थर है, पथरीली जमीन है, उसमें भी जे फार्मर भाई चला सकते हैं। जे इसके साथ में हमने एडजस्टेबल कल्टीवेटर भी दे रखा है, जैसे फार्मर भाई को वो नाली निकालनी है तो उसमें वो सिंगल हल से नाली निकाल सकते हैं। उसके आगे आ गया पटाटो डिगर, जैसे आलू उखाड़ने हैं, कोई गाजर वगैरह उखाड़नी है तो उससे आप उखाड़ सकते हैं जी। जैसे इसमें कोई किसान भाई यहाँ से खरीद के ले जाता है, जिसमें जो मोवियल और गेयर ऑयल पड़ता है वो कितना पड़ता है ये देखिए जी। जो अगर किसान भाई मंगवाता है तो हमारा स्टाफ सारा उसको समझाता है, इसमें इतना इंजन डलेगा, इतना गेयर डलेगा, इसमें जो इंजन में डलेगा वो 10W30 का 600 ml इंजन डलेगा और 2 लीटर गेयर में 90 EP का गेयर डलेगा जी। जैसे कि हम इसके साथ में आपका दूसरा प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसी का मुझे लगता है भाई है छोटा भाई जी, तो इसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताइए। देखिए सर, पावर सेम है, इटालियन सीरीज है, सिर्फ उसमें क्या दिया हुआ है, जो फार्मर भाई केवल अपना दिन में ही काम करना चाहते हैं, रात को कार्य नहीं करना है, रात को नहीं चलाना है, तो वो मॉडल ले सकते हैं। जिसको लाइट की प्रोविजन है वो जे मॉडल ले सकते हैं। पावर सेम है, इटालियन सीरीज है, 0.8 HP का पेट्रोल वर्जन इंजन है उसमें भी जी। जैसे कि हम इसमें भी देख रहे हैं, आपने ये बॉक्स लगाया, इसमें भी लगाया, बिल्कुल जी बॉक्स लगाया। जैसे बॉक्स कई बार क्या होता है, फार्मर भाई खेत में लेके जा रहे हैं, आपको टूल की जरूरत वहाँ पे पड़ सकती है, कई बार क्या होता है नट खुल जाए, जहाँ कोई स्पार्क प्लग ढीला हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें आप टूल रख के लेके जा सकते हैं, जहाँ अपना मोबाइल, जहाँ अपना खाना मानो टिफिन आप रख के लेके जा सकते हैं जी। ज़्यादा तो इसमें टूल में फोकस दिया गया है ताकि टूल बॉक्स आपका साथ में रहे, आपको खेत में कई बार प्रॉब्लम आ जाए, मशीनरी है तो आप वहाँ पे ही अपना इसको ठीक कर सकें जी। हम एक क्वेश्चन आपसे और करते हैं, जैसे मेरा कोई किसान है, पावर टिलर कहीं और से खरीदा है वो जी, उसका 2-4 साल चला, उसके बाद में उसका इंजन जो है जी डैमेज हो जाता है जी, तो क्या आपसे वो इंजन खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते हैं जी। पहले तो जो उसका कोई छोटा मोटा पुर्जा वगैरह, जहाँ कोई सामान छोटा मोटा उसको चाहिए होगा वो भी मिलेगा। अगर पूरा ही इंजन लेने की क्षमता है तो इंजन हमारे पास पड़ा है, इंजन जो भी फार्मर भाई को जरूरत है कहीं से भी खरीदा है, हमारे को कोई नहीं है। आप आराम से हमारे को फ़ोन करके जाओ, व्हाट्सएप पे हमारे को फोटो भेजिए, कॉल करिए, तो हम आपको इंजन दे देंगे, कोई बात नहीं। किसान भाई इंजन ही मंगवाता है, क्या प्राइस में देने? जो ये इंजन है भैया जी, देखो इसमें 2-3 मॉडल है हमारे पास, जो इंजन जैसे क्वालिटी के ऊपर ही है, जो जे हमने जे सबसे हाई क्वालिटी का है इटालियन सीरीज का 0.8 HP का, जे 14,000 रुपये का है, एक इससे थोड़ा सा नीचे आ जाता है 7 HP का, वो 12,000 रुपये का है, उसका 2,000 कॉस्ट कम है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि किसान भाइयों को खरीद लेते हैं, उसके बाद में कोई समस्या आ जाती है तो आपके स्टाफ जो हैं वो रिप्लाई उनको तुरंत करते हैं कि नहीं, खेत में गाड़ी खड़ी है, कोई समस्या? देखिए कई बार क्या होता है, फोन वेटिंग में चल रहा होता है, फार्मर को एक आधा मिनट तो वेट करनी होती है, जहाँ तो हमारे को व्हाट्सअप करें भी मेरे को ये प्रॉब्लम है। कई बार कॉलिंग तो ज़्यादा आपको पता है व्यस्त रहती है, कई बार फार्मर बहुत क्वेश्चन करते हैं तो फोन कॉलिंग लंबी चली जाती है, हमारे को व्हाट्सअप पे या वीडियो कॉल पे लिख के भेज दें मेरे को ये प्रॉब्लम है, हम तुरंत तो उसको वीडियो कॉल करेंगे। कई बार तो खुद मैं भी करता हूँ, फार्मर को स्टाफ से नहीं सही हो पाता तो मैं खुद आप करवाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्विस पहले होती जी है। जैसे हमारा कोई किसान भाई इसको खरीदता है, ये घर पे पहुंच गया उसके जी, अब वो उसको नॉलेज तो है नहीं, वो सेट कैसे करेगा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया सर आपने, जब जे वहाँ पे उसके पास पहुंच जाता है तो बॉक्स से निकालें, बॉक्स से निकाल के हमारे को वीडियो कॉल करें, जा तो हमारा स्टाफ फिट करवाएगा, जहाँ हम खुद करवाएंगे इसको फिट। इसमें देखो जो ब्लेड है कैसे लगाने हैं, स्टार्ट करने तक का कैसे इसमें फ्यूल डालना है, स्टार्ट करने तक का जब तक वो आधा घंटा लगाए, हमारे पास 20 मिनट लगाए, तब तक जब तक उसकी फिटिंग नहीं होती है
तब तक हम उसको सारा वीडियो कॉल वीडियो पे कॉल के आप जरिए फिट करवाएंगे। अगर वीडियो कॉल में उसको फिटिंग नहीं आती है तो हम वीडियो भी बना के भेज देंगे, वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर उससे भी नहीं आती है तो हमारे को कॉल करें, हम सारा वीडियो कॉल के जरिए फिट करवाएंगे, कैसे जी ऑपरेट करना है सारा उसको सिखाएंगे। जी जैसे वो खरीद लेता है, चल रहा है, जी इसकी वारंटी गारंटी आप क्या देने वाले देखिए, हैं? हम 1 ईयर की इसकी गारंटी देते हैं। जो भी 1 साल के अंदर इसका सामान टूटेगा या डैमेज होगा, रिप्लेसमेंट फार्मर को मिलेगी, सामान डैमेज होगा टूट जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक भेजा जाएगा। कुछ भी हो जाए, रिक्वायर स्टार्टर टूट जाए, प्लग खराब हो जाए, या कुछ भी हो जाए, गियर वगैरह की तार वगैरह होगी, क्लच वायर होगी, ठीक है जी, वो सारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के अंदर आपके घर तक भेजी जाएगी। उसके बाद भी आपको कोई सर्विस की जरूरत है, उसके लिए भी कंपनी बैठी है, आप फोटो भेजिए तो भी आपको सर्विस मिलेगी। जी जैसे हमारे किसान भाई का कार्बोरेटर खराब हो जाता है, जी तो उसके बारे में, जैसे ये केवल कार्बोरेटर मंगाना चाहता है हाँ आपसे, बिल्कुल तो मिलेगा क्या आप इसे जी, भेजें किसी भी किसी कंपनी से वो खरीदा है? भी कंपनी से खरीदे, हमारे को फोटो भेज दे, भैया जी मेरे को ये कार्बोरेटर चाहिए, जे आपके सामने है, बिल्कुल हमने इसमें इटालियन सीरीज का है, जापान का कार्बोरेटर है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जो भी फार्मर भाई मांगेगा उसको बिल्कुल देंगे। 1 साल के अंदर भी हमारी मशीन का भी खराब हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा, कोरियर से हम आपके घर तक पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे। जी जैसे डोरी वगैरह टूट गई, क्लच खराब हो गया, वायर खराब हो गया, तो जी क्या वो भी चीजें मिल बिल्कुल सब जाती हैं मिलेगी। क्या? देखिए अगर आपका वो रिक्वायर स्टार्टर हो खराब हो गया, आपको स्टार्ट करने में समस्या आएगी, वो भी हम भेजेंगे, जो मांगेगा फार्मर भाई सर्विस पहले। जी जैसे ये वायर वगैरह आपने रखे उसके हैं बाद रखने के जैसे लिए, किसी भाई का मिट्टी चला जाए, इसकी ध्यान देता है, उसके लिए भी अगर भाई को रिंग पिस्टन की जरूरत है, वो भी सारा हम है, रिंग पिस्टन हमारे को बोले, रिंग पिस्टन भी हम उसके घर तक पहुँचवाएंगे। जी, मतलब आप टूल्स भी देंगे देंगे जो भी खराब हो बिल्कुल जाएगा? जी देंगे। किसी को क्लच वायर की जरूरत है, रेस वायर की जरूरत है, हमारे को फोटो भेजे, मेरे को क्लच वायर चाहिए, रेस वायर चाहिए, सब उसको रिप्लेसमेंट सब मिलेगा, कोई भी सामान जो है बिल्कुल खराब जी। होता उसके है बाद लेकिन जो हम टूल्स टूल में साथ में देते हैं, जो मैनुअल बुक देते हैं और टूल्स उसको साथ में देते हैं, चाबी वगैरह देते हैं, सब साथ में मिलेगा। अब सारी बातें हो गई तो हम ऑपरेट की बात कर लेते हैं। जी जैसे कि ये आपका 10 HP प्रीमियम पावर बीडर है, जी इसके साथ में हमारे किसान भाइयों को नया साल आ रहा है, क्या टूल्स देने वाले हैं, क्या ठीक प्राइस है रख भैया रहे जी। हैं आप? देखिए जो इसका प्राइस हमने रखा है, इसमें दो वर्जन है हमारे पास, दो मॉडल है, एक तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, एक मैनुअल है। जो जी मैनुअल का प्राइस है, इसमें अगर मैनुअल फार्मर भाई लेना चाहता है, मैनुअल लेना चाहता है, तो मैनुअल का प्राइस हमने जो रखा है वो 75,000 रुपये रखा है, 75,000। और जो फार्मर भाई इलेक्ट्रिक में स्टार्टर लेना चाहता है, इसमें दोनों वर्जन है, मैनुअल भी है इलेक्ट्रिक भी है, वो 80,000 रुपये का है, 80,000। इसके साथ में आपको दो रबड़ के टायर और 40 ब्लेड का रूटावीटर जो मैंने आपको बताए हैं, ये दो इक्विपमेंट साथ में फ्री। और जो आपकी वीडियो का मेरे को इसको देख करके स्क्रीनशॉट भेजेगा, न्यू साल पे हम उसको एक अटैचमेंट आपकी वीडियो की तरफ से और देंगे। जी जैसे कि हम आपका दूसरा लाइट वाला देख रहे हैं, लाइट वाले का क्या प्राइस देने वाले हैं हमारे किसान भाई इसका हमें? जो प्राइस हमने रखा है अभी जो रखा है 50,000। कई बार क्या होता है, आपको पता है रेट लोहे के हिसाब से नीचे ऊपर जाते ही रहते हैं। अभी जो इसका प्राइस कंपनी ने रखा है वो 50,000 रुपये रखा है, 50,000। इसमें आपको दो रबड़ के टायर, ठीक है जी, जो दिख रहे हैं आपको, और 32 ब्लेड का रूटावीटर, ये 4 अटैचमेंटों से 2 अटैचमेंट फ्री है। जी जैसे कि हम आपका तीसरा मॉडल देख रहे हैं, ये किस प्राइस में किसान भाइयों को देने वाले हैं और क्या टूल्स देंगे इसके बिल्कुल साथ जी, में? इसके साथ में भैया जी हम देंगे, एक तो जो इसका रेट कंपनी ने रखा है, प्राइस रखा है, वो 48,000 रुपये रखा है। 48,000 में आपको दो रबड़ के टायर और 32 ब्लेड का जो रूटावीटर है, ये 4 अटैचमेंट से 2 अटैचमेंट फ्री। और न्यू ईयर पर जो किसान भाई आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसको भी आपकी वीडियो के माध्यम से एक अटैचमेंट हम अपनी तरफ से और फ्री देंगे। जी जैसे कि गेहूं कटाई का सीजन आने वाला जी। है, आपके पास रो ये है रीपर है, जी तो हमारा किसान भाई कोई अगर रीपर खरीदना चाहता है जी केवल, तो उसको किस प्राइस में देने वाले देखिए हैं? रीपर में हमारे पास दो मॉडल हैं, अभी तो हम ज़्यादा तो फोक्स गियर पे रीपर में दे रहे हैं। जो इसमें विदाउट गियर का रीपर हम दे रहे हैं वो फार्मर भाई को 35,000 रुपये का दे रहे हैं, जिसमें गियर की प्रोविजन है वो अभी जो इसका प्राइस है 38,000 रुपये। जी अब हो गई रेट की बात, अब मेरा कोई किसान भाई है, वीडियो देख लिया, खुश हुआ कि अब ये मंगवाऊं, कोई पसंद किया वो, जी तो मंगवाएगा कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। मंगवाने के लिए देखिए हमारा
दो तीन ट्रांसपोर्ट से टाई अप है, कोरियर से टाई अप है, फार्मर भाई अपना पहचान पत्र जहाँ अपना मेरे को एड्रेस प्रॉपर पिन कोड के साथ में लिख के भेजे, हमारा स्टाफ उसको हमारी कंपनी का करंट अकाउंट भेजेगा, उसमें 5,000 रुपये एडवांस देने हैं, बाकी की पेमेंट जब उसके मशीन नियर स्टेशन पे जहाँ उसके घर पे आ जाएगी तब आपको आने पे देनी है मशीन जी। वो किस नंबर पे कॉल करेगा? वो हमारे नंबर ऊपर स्क्रीन में भी चल रहे हैं LCD में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चल रहे हैं, फार्मर भाई उन नंबरों पर संपर्क करके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जो फार्मर भाई ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहते, किसी के मन में कोई डर होता है, तो हमारा कंपनी में पिदारे आए, रहने की व्यवस्था फ्री है और आकर के चला के देखिए, ठीक है जी, वो अपना इसको देख करके भी लेके जा सकते हैं जी। जैसा कि गुरुदीप भाई जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और किसानों के लिए ये नए नए प्रोडक्ट्स पर शोध कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, आने वाले टाइम में और नई नई चीज़ें लाएंगे, और इन्होंने बेहतरीन इसकी जानकारी दी कि आपके खेत में आप सब्जी की खेती करते हैं, केला की खेती करते हैं, परवल की खेती करते हैं या बैंगन की किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, तो आप इसकी रोटरी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा एडजस्टेबल होती है, बढ़ा घटा सकते हैं। आजकल क्या होता है कि बड़े ट्रैक्टर जो हैं, अगर मेरा खेत छोटा है वहाँ पर बड़े ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाते हैं, बगल वाले अगर खेत की बुआई कर दिए तो वहाँ वो ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता है, तो पूरा खेत खाली, रास्ता नहीं है जाने के लिए, आप इसको आसानी से खेत जा सकते हैं, खेत पूरा खाली जाता है, सीजन पूरा बेकार चला जाता है। तो किसान भाइयों इसको आप खरीदिए, काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है। ऐसी ही कोई नई वीडियो लेकर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।